आइस है। आज घोड़े पे ऑफ रोड कर रहा हूँ मैं। ये जितनी भी स्किन्स है ना, ये सब ओरिजिनल है। पूरे माउंटेन्स दिख रहे हैं प्रॉपर टाइप, आप देख सकते हैं सुंदर से पहाड़, पूरा ग्रीन अंदर से। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और मैं हूँ कुफरी में। कल रात को मैं चेल से कुफरी आ गया था और मैं रात को कुफरी में ही रुका हूँ। और अभी प्लान ये है कि आज मैं जाऊँगा कुफरी घूमने के लिए। आप देख सकते हैं सुंदर से पहाड़ सामने और ये बड़े बड़े होटल। आ गए भैया, तो ब्रेकफास्ट भी आ गया। ब्रेकफास्ट आ चुका है, ग्रिल्ड सैंडविच प्लस चाय अपनी जो मैंने ऑर्डर की थी आ चुकी है। भाई साहब, सो मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट और उसके बाद निकलूंगा। तो ये था मेरा रूम जहाँ पे मैं रुका था रात को। और अभी मैं जाऊँगा घूमने के लिए, तो अपने साथ एक बैकपैक लेके जाऊँगा बस, और कुछ नहीं। बाकी सामान सारा इधर छोड़ दिया मैंने। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, अभी निकलते हैं। तो गाइस, ये बाइक कर दी मैंने कोल्ड स्टार्ट। टेम्परेचर कितना होगा इधर का? अभी होगा 12-13 डिग्री होगा ना, इतना तो होगा ही। 5-6 डिग्री अभी टेम्परेचर इधर का। चलो, बाइक का इंजन गर्म होता तब तक आपको आइस दिखाता हूँ। यहाँ पे ना 2-3 दिन पहले आइस गिरी थी, अभी तो रोड पे नहीं है और कहीं भी नहीं है, पिघल गई है। पर यहाँ पे हल्का हल्का सा है, ये देखो, ये सब आइस है। अगर मैं पाँव फिसल रहे हैं इस पे, ये थोड़ी थोड़ी बची है, देखो आइस है। 2-3 दिन पहले गिरी थी ये, अभी तो नहीं है। इधर टेम्परेचर है अभी यहाँ का 5 डिग्री सेल्सियस है। और अभी मैं निकलूँगा। और भाई मैं निकल चुका हूँ कुफरी घूमने के लिए। क्या ही सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं भाई, नज़ारे सुंदर है, बहुत सुंदर नज़ारे हैं, सीनिक व्यू है इधर के। यहाँ पे बहुत सारी देखने लायक व्यू पॉइंट्स हैं, यहाँ जू है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी जगह है। रात को यहीं पूछ रहा था मैं रॉयल टूलिप में कि कितना पड़ेगा। गार्ड ने बोला भाई महंगा पड़ेगा, तो हमने बोला महंगा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सस्ता। था जहाँ अभी मैं रखा हूँ वहाँ पे मुझे 1000 रुपीज़ का रूम मिला है। होम स्टे भी थे इधर, अच्छा पता नहीं चला रात के अंधेरे में। सब चाय का आनंद ले रहे हैं ठंड में। सॉरी, कहाँ? कुफरी। हाँ, कुफरी घूमने के लिए तो आया हूँ। यहाँ से जाना भी आज समझ लो जीरो में पहुँच गए। अच्छा, इसके आगे कुछ नहीं है? आगे है चाल। एक मिनट साइड में खड़ा करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये कर सकते हैं सब, यहाँ पे कर सकते हैं। जिप लाइन है, बेली क्रॉसिंग है, कपल जिप लाइन, बैलेंसिंग ब्रिज है इधर, लैडर क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं, एडवेंचर राइड भी कर सकते हैं, कमांडो नेट क्लाइंबिंग भी है। ओके तो गाइस, मैंने ले लिया है 1000 रुपये का एक इनका प्लान है, पैकेज है। इसमें वो हॉर्स राइडिंग भी करवाएंगे और ऊपर व्यू पॉइंट तक लेके जाएंगे, और वो 3 एडवेंचर गेम्स आप कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देख लो भाई, सब घोड़े खड़े हैं यहाँ से और ये सब ऊपर तक लेके जाते हैं। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ हॉर्स राइडिंग के लिए और ये लेके जाएंगे ऊपर तक। ऊपर बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं और एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, वो कर सकते हैं जाके। तो चलते हैं। सो गाइस देख लो, आगे जा रहे हैं टूरिस्ट सब हॉर्सेस के ऊपर और ये आ रहे हैं ऊपर से भाई छोड़ के। आज घोड़े पे ऑफ रोड कर रहा हूँ मैं। पर मज़ा आ रहा है हॉर्स राइडिंग का। तो चलो भाई, धीरे धीरे चलते रहो। घोड़े ना ये ट्रेन है, सारे अपने आप ही लेके जा रहे हैं, उनको पता कौन से रास्ते पे जाना है, कहाँ लेके जाना है। ऊपर भी जा रहे हैं सभी लोग, वो नीचे से भी आ रहे हैं। सो गाइस, अभी पहुंचने वाले हैं। अपना घोड़ा जो मुझे ऊपर तक लेके आया है।
तो गाइस ये है टेलीस्कोप पॉइंट कुफरी में है ऊपर, यहाँ से ना माउंटेन जोन का व्यू देख सकते टेलीस्कोप के थ्रू। एक मंदिर है वहाँ जाके आऊँगा और उसके बाद नीचे आगे जाने का रास्ता जो है घूमने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे है महासु नाग देवता का मंदिर ऊपर जो मैंने अभी बताया आपको, तो चलते हैं दर्शन करते हैं माथा टेकते हैं। और ये है नाग देवता जी का मंदिर। ये है कुफरी फन वर्ल्ड, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं अंदर। कार रेसिंग हो रही है भैया अंदर, यहाँ पे स्काई साइकिलिंग कपल्स वाली भी होती है, स्काई साइकिलिंग डबल होती है, सिंगल में स्काई साइकिलिंग होती है। अंदर कार राइडिंग कर सकते हैं, हॉन्टेड हाउस है और एडवेंचर एक्टिविटीज भी और भी है यहाँ पे। मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे एक्चुअली एडवेंचर एक्टिविटीज जो होती है वो नीचे भी होती है, जिसका मेरे पास टिकट है और वहाँ पे लिखता हूँ एक दो चीजें जमा करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। जिप लाइन तो कर ही लेनी चाहिए मुझे लग रहा है। और यहाँ से देखो ये पूरे माउंटेन्स दिख रहे हैं प्रॉपर टाइप, सो मैं जा रहा हूँ अभी जिप लाइन पे। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ एप्पल गार्डन में और ये देखो भाई पेड़ है, सब एप्पल्स के पेड़ है सारे इधर। इसमें भी पत्ते पुत्ते नहीं है, कुछ भी सीजन नहीं है ना एप्पल, ना ही फल है कोई, पूरे एप्पल्स के हैं नीचे तक। अगर सीजन के टाइम पे आए तो देखने को मिल जाएंगे इसके उनके ऊपर, ऊपर की तरफ भी है सारे पेड़। सो चलता हूँ अभी यहाँ से, हो गया देख लिया अभी जगह मैंने। सो गाइस मैं जा रहा हूँ वापिस घूम के, ये भाई लोग हैं जो मेरे पीछे हैं आ रखे हैं गुजरात से इतनी दूर। हाँ जी हम लोग का भाई को सपोर्ट करने का भाई, भाई तो आपको मजा आया क्या इधर भाई? आया बस आइस देखने को नहीं मिली आपको? हाँ नहीं आइस नहीं। ओके मैं आ चुका हूँ नीचे और अभी देखते हैं अभी क्या करना है। जू भी है इधर, जू देखूंगा और सू देखो, सू की हालत देखो क्या हो रखी है, बहुत धूल है ऊपर और अभी भी टूरिस्ट ऊपर जा रहे हैं, मैं तो ऊपर जाके वापस आ गया। घोड़े घोड़े इधर, हॉर्स राइडिंग एंड एडवेंचर करने के बाद मैं निकल रहा हूँ अभी जू के लिए। ऊपर 500 मीटर पे जू है और वहाँ पे एक चीनी बंगला भी है, वो भी देख लूंगा मैं। हिमालयन नेचर पार्क है तो चलते हैं जू में, अंदर पार्किंग के लिए मना कर रहा, हिमालयन नेचर पार्क है नाम इसका। अभी मैं आ चुका हूँ नेशनल पार्क के अंदर, नेचर पार्क के अंदर कुफरी, सेरू नाम है इसका जो यहाँ पे क्या बोलते हैं लेपर्ड है ना,
हाँ आई एम सेरू, ये देख लो भाई। इनका फर वगैरह तो मेरे को ओरिजिनल लग रहा है, तो ये क्या है, कैसे किया है? स्किन ओरिजिनल है सभी जानवरों की। ओके, तो ये अंदर होगा डमी होगा, उसके ऊपर ओरिजिनल स्किन लगा रखी है। तो ये जितनी भी स्किन है ना, ये सब ओरिजिनल है, ये स्किन है अंदर डमी के ऊपर स्किन लगा रखी है उन्होंने, सब ओरिजिनल स्किन है। पता नहीं कैसे किया है, नहीं पता। फिर देखो भाई, ये है कैफे कोफरी, पूरा ग्रीन अंदर से। भाई इस नेशनल पार्क में 180 स्पीशीज पाई जाती हैं, रेयर बर्ड्स की और मैमल्स की। यहाँ पे डियर, गोराल, स्नो लेपर्ड सब देखने को मिल जाएंगे आपको, ब्राउन बियर, ब्लैक बियर सारे हैं इधर। एंड यहाँ पे ये कैफे कुफरी ग्रीन जो है इस नेशनल पार्क के अंदर में है, और बहुत ही सुंदर जगह है कुफरी में। मैंने ऑलमोस्ट सारी जगह अभी देख ली है, और मैं करूँगा लंच अपना, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है अभी। तो आ गया मेरे फ्राइड राइस, और खा लेता हूँ जल्दी से, फिर चलता हूँ। सही है। भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, और सही बनाया इन्होंने, ना ज़्यादा स्पाइसी है ना कुछ। सो गाइस, लंच हो गया है, अभी मैं निकल रहा हूँ, और मैं वापस देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं, अपना कुछ छूटा तो नहीं भाई मेरा, देखना है इधर। ठीक है, थैंक यू। सो लंच हो गया, अभी मैं निकल रहा हूँ, और टाइम भी मेरे ख्याल से 3 बज गए हैं। थैंक यू बोल रहा है हमें, थैंक यू फॉर योर विजिट। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ चीनी बंगला। यहाँ पे चीनी बंगला क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं है, कहीं हिस्ट्री लिखी होगी बोर्ड पे, तो मैं पढ़ूंगा और आप सभी को भी बताऊंगा। और इंदिरा पार्क ही है ना, इंदिरा पार्क भी बोलते हैं इसको। ये देख लो भाई, आई लव कुफरी, ये तो पता है मुझे। कैफे ललित है इधर। चीनी बंगला जगह का नाम है, इधर कुछ खास है ही नहीं, रेस्टोरेंट है, ललित कैफे है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है इंदिरा टूरिस्ट पार्क, एंट्री फीस अभी है नहीं। और अंदर क्या क्या है, स्मॉल नेचर पार्क है, कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन पार्क, कैफेटेरिया, बियर बार एंड आइसक्रीम पार्लर। इस पार्क को इंदिरा गांधी जी ने और जे भुट्टू जी ने विजिट किया था, और यहाँ पे उन्होंने सिमला एग्रीमेंट जो है उसको, उसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो ये इस पार्क के बारे में। चलो जी, यहाँ पे बार है, बियर बार है, रेस्टोरेंट है, कैफे हैं, चिल्ड्रन खेल सकते हैं, ये देख लो। चल चलते हैं गाइस, ओवरऑल घूम लिया मैंने सारा कुफरी आज। टाइम हो चुका है अभी 3:33, और मुझे लगता है कि अभी निकलना चाहिए, कि आज की जो मेरी डेस्टिनेशन होने वाली है वो थोड़ा सा दूर है। सो गाइस, मैं निकल चुका हूँ वापस, और ये है कुफरी की मार्केट। चलो भाई,
अब मैं जाऊंगा सबसे पहले होटल और वहां से लूंगा अपना सामान और फिर कुफरी से निकल जाऊंगा मैं। आज भाई कितनी चलाई नहीं मैंने पर कोई नहीं। और ये क्रेजी से मोड़ है इधर, सूर्य अस्त भी हो चुका है, होने वाला है, क्या ही सुंदर लग रहा है। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं तारा देवी, रात को यहीं रुकूंगा और इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूं और मिलता हूं आप सभी से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।